ये स्टोरी है मेरे एक दोस्त करता हूँ कि जो मेरा एडिटर भी है करता हूँ। जब छोटा था वो अपनी फैमिली के साथ में गया हुआ था अपने गांव के पास, तो वो हाईवे पे रुके, कार से गए थे वो लोग। हाईवे पे रुक के हमने एक होटल बुक किया, होटल एकदम खंडर टाइप था, लेकिन वहाँ पे आसपास और कोई होटल भी नहीं था, तो वहाँ पे रुकना पड़ा उन लोगों को। दिख रहा मैं अजीब था, उसकी मम्मी ने ना बोला, लेकिन उसके पापा ने बोला कि ठीक है रात रात की तो बात है, सुबह निकल ही जाना। करता बहुत छोटा था उसको कुछ समझ नहीं आता था। अब इसकी फैमिली थी और इसकी बुआ की भी फैमिली थी, उसकी बुआ की फैमिली जो है वो सामने वाले रूम में रुकी और इसकी फैमिली इस रूम में रुकी, बीच में गैप था लॉबी होटल में जो होती है। अचानक से रात को 2:30 बजे के आसपास में गेट पे एक दस्तक हुई, उसके पापा अचानक से जागे, फिर देखा, फिर अचानक से वापस दस्तक हुई, इस बार और तेज थी, इतनी तेज कि ये भी जग गया, इसकी मम्मी भी जग गई। करतो के पापा धीरे धीरे करके गेट के पास गए, और जैसे ही गेट के पास गए उन्होंने पूछा कौन है, और सामने से जो आवाज आई वो सुन के आपकी फट के हाथ में आ जाएगी। सामने से कोई लेडी बोली, बोल पाई जे। ये सुनते उसके पापा फटाफट जाके कूद के बेड पे बैठे, उन्होंने कॉल किया उसकी बुआ को, वो बाहर आके चेक करे कोई है या नहीं। उनकी बुआ ने बाहर आके चेक किया तो वहां पे कोई भी नहीं था, और नीचे जाके कैमरा चेक करवाया तो गैस वॉट, एक लेडी थी साड़ी में, हाथ में उसके फूलों का गुलदस्ता था, बड़ी ही क्रीपी सी स्माइल थी, और वो फूल पाइजे बोल के सीढ़ियों से नीचे उतर गई, और नीचे जाके किसी कैमरा में कैद भी नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है।